हेलो दोस्तों, मैं हूं एके और आप देख रहे हैं फिल्म नेक्स्ट। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी फिल्म के बारे में जो ऑडियंस के बीच काफी हाइप क्रिएट कर रही है। हम बात करेंगे थलापति विजय की लेटेस्ट फिल्म द गोट के बारे में। अगर आपको हमारा रिव्यू पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और बेल आइकन जरूर दबाए ताकि आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। द गोट एक एक्शन थ्रिलर है जिसमें थलापति विजय ने रॉयल रोल प्ले किया है। फिल्म के डायरेक्टर हैं वेंकट प्रभु और मूवी की स्टोरी एक ऑफिसर गांधी के अराउंड घूमती है जो स्पेशल एंटी टेरर स्क्वाड का हिस्सा है। केनिया में एक डेंजरियस मिशन के बाद गांधी अपने बेटे जीवन की मौत की खबर से टूट जाता है, लेकिन बात तब इंटरेस्टिंग होती है जब रशिया में जीवन को जिंदा पाया जाता है। ये सस्पेंस और थ्रिलर एलिमेंट्स के साथ एक मसाला एंटरटेनर है। फिल्म के कुछ स्टैंड आउट पॉइंट्स की बात करें तो सबसे पहले तो थलापति विजय का ड्यूअल रोल परफॉर्मेंस काफी जबरदस्त है। एक तरफ गांधी का मैच्योर और कंपोज कैरेक्टर और दूसरी तरफ विलेनियस जीवन का एटीट्यूड, दोनों रोल्स को विजय ने ब्रिलियंट तरीके से निभाया है। अगर दोस्तों हम एक्शन सीन्स के बारे में बात करें तो एक्शन सीन्स का तो अलग ही मजा है, स्पेशली क्लाइमेक्स में जो लाइव सीरीज के क्रिकेट मैच के दौरान सेट किया गया है उसमें एनर्जी और एक्साइटमेंट लेवल बहुत ही हाई है। सपोर्टिंग कास्ट जैसे प्रभु देवा स्नेहा और जयराम ने भी काफी अच्छा काम किया है। अगर हम नेगेटिव एस्पेक्ट्स की बात करें तो ये फिल्म परफेक्ट नहीं है, कुछ फ्लॉज भी है। स्टोरी लाइन थोड़ी प्रेडिक्टेबल है जो ऑडियंस को इम्प्रेस करने में फेल होती है, स्पेशली उन लोगों को जो पहले भी ऐसे रिवेंज ड्रामास देख चुके हैं। फर्स्ट हाफ थोड़ा स्लो फील होता है और कुछ सीन्स अननेसेसरी लगते हैं जो मूवी की पेसिंग को हर्ट करते हैं, और एंटागोनिस्ट मेनन जो मोहन प्ले कर रहे हैं वो इतना इम्पैक्टफुल नहीं लगता। लेकिन दोस्तों कैमियोज ने कुछ हद तक मूवी को उठाने में सक्षम हुए हैं, कैमियोज जैसे त्रिशा कृष्णन एंड शिव कार्तिकेयन। इसके बारे में पूरा डिटेल आप लोगों को मूवी में मिल जाएगा। दोस्तों अगर हम टेक्निकल एस्पेक्ट्स की बात करें तो वेंकट प्रभु की डायरेक्शन थोड़ा और शार्प हो सकती थी। VFX के काम ठीक ठाक था, स्पेशली डी एजिंग इफेक्ट्स पर विजय के लिए काफी अच्छा काम किया गया है, लेकिन यूएन शंकर राजा का बैकग्राउंड स्कोर इम्पैक्ट नहीं छोड़ता है और कुछ गाने थोड़े अननेसेसरी लगते हैं। हाँ दोस्तों, लेकिन सिनेमाटोग्राफी काफी अच्छा है और सिनेमाटोग्राफी का काम सिद्धार्थ नंदी ने किया है। हाँ आखिर में अगर मैं कहूँ ओवरऑल मूवी ठीक ठाक है। अगर आप थलापति विजय के डाई हार्ड फैन हैं तो आपको ये फिल्म जरूर पसंद आएगी, स्पेशली उनका ड्यूअल रोल अवतार। लेकिन अगर आप कुछ नए एक्सपेक्ट कर रहे हैं शायद ये फिल्म आपको इतनी इम्पैक्ट नहीं करेगी। हम देते हैं इस फिल्म को 3.5/5 स्टार। तो दोस्तों आपको ये रिव्यू कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बताएं, और अगर आपने द गोट देख ली है तो आपकी ओपिनियन क्या है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल फिल्म नेक्स्ट को सब्सक्राइब करना मत भूलिए फॉर मोर सच ऑसम रिव्यूज एंड अपडेट्स। मैं हूं AK, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।